महा कार्टून टीवी। एल कोको, एक नर पक्षी। रोनाल्ड अपनी पत्नी करीना और बेटी रोजी के साथ मुंबई शहर में रहता था। रोनाल्ड का अपना खुद का बिजनेस था, वो गुड़ियाओं की मैन्युफैक्चरिंग करवाता था। क्रिसमस आने ही वाला था तो उसने तोहफे के तौर पर अपनी बेटी रोजी के लिए एक स्पेशल गुड़िया तैयार करवाई, जो रोजी की हाइट की ही थी, जिसे देखकर रोजी बेहद खुश हुई और उसने उस गुड़िया को अपने पास रखना शुरू कर दिया। अपनी बेटी रोजी को इतना खुश देखकर रोनाल्ड और करीना काफ़ी खुश थे। रोजी को बचपन से ही अंधेरे का फोबिया था, जिस वजह से वो बिना रोशनी के नहीं सो पाती थी। इसलिए रोनाल्ड को उसके कमरे की लाइट हमेशा ही जलाकर रखनी पड़ती थी। लेकिन गुड़िया के आ जाने के बाद से ही रोजी में काफ़ी बदलाव आने लगे थे। वो हमेशा खुश और एक्टिव रहती थी, और तो और उसने अंधेरे से भी डरना बंद कर दिया था। ऐसे ही एक दिन उन्होंने रोजी को अपनी गुड़िया से बात करते हुए सुना। ठीक है, मैं मम्मी पापा से बोलूंगी, अब तो मान जाओ, गुस्सा मत हो। बेटा रोजी, आप किससे बात कर रही हो? पापा, कुकू मुझसे गुस्सा है। कुकू, ये कौन है? रोजी अपनी नई गुड़िया को कुकू कहकर बुला रही थी। उसका कहना था कि कुकू ने ही उसे ये नाम लेने के लिए कहा है। रोजी की ये बातें सुनकर वो दोनों हंसने लगे। उन्हें लगा कि रोजी खुद से ही कहानियां बना रही होगी, जिसके बाद रोजी ने कुछ और भी कहा। पापा, कुकू मुझसे नाराज है, वो कह रही है कि वो इस घर में अकेला फील करती है। वो चाहती है कि उसके लिए इस घर में पार्टी रखी जाए, जिसमें मेरे सारे दोस्त इनवाइट किए जाए। रोनाल्ड को लगा कि रोजी शायद खुद को अकेला फील कर रही है, तभी वो एक पार्टी की डिमांड कर रही है। बेटी की बात को मानते हुए रोनाल्ड ने पार्टी के लिए हाँ कह दिया, जिसके बाद रोजी ने कहा। पापा, कुकू कह रही है उसे सिर्फ बच्चे ही चाहिए पार्टी में। अपनी बेटी के मुंह से ये बात सुनकर उसे थोड़ा अजीब लगा, जिसके बाद रोनाल्ड ने उससे पूछा। बच्चे ही चाहिए मतलब? कुकू को सिर्फ बच्चे ही पसंद है, वो बस पार्टी में बच्चे ही चाहती है, ना कि कोई बड़े अंकल आंटी। रोनाल्ड को ये बात थोड़ी अटपटी तो लगी, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। सब क्रिसमस की तैयारियों में लगे हुए थे कि अचानक शहर में एक अलग सी दहशत भरी हवा चलने लगी। शहर में रात के अंधेरों में बच्चों के गायब होने की खबरें आने लगी। जगह जगह पुलिस की गाड़ियां दिखने लगी। बच्चों के गायब होने की छानबीन में शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया कि एक दिन अचानक बच्चे की लाश की इतनी बुरी हालत देखकर सभी हक्के बक्के रह गए थे। किसी को भी अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इन मासूम बच्चों की इतनी बुरी हालत कौन कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ रोजी की हालत खराब हो रही थी, उसकी तबीयत अचानक ही बिगड़ने लगी थी। शहर में कर्फ्यू लगने की वजह से उसका इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा था। घरेलू उपचार का इस्तेमाल कर रोनाल्ड और करीना उसकी देखभाल कर रहे थे, पर रोजी पर कुछ खास असर नहीं हो रहा था। जैसे तैसे कर रोनाल्ड ने शहर की इतनी बुरी हालत में भी अपने घर में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करवाई, ताकि रोजी को अच्छा फील हो सके। क्रिसमस का दिन था, पार्टी के लिए घर में सिर्फ बच्चों को ही बुलाया गया। पूरे घर में बच्चों के हंसने खेलने की आवाजें आ रही थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि थोड़ी देर में वहां पुलिस आ गई। पुलिस को अपने घर में देखकर रोनाल्ड काफी घबरा चुका था। पुलिस से बात करने पर उन्होंने कुछ ऐसा बताया
जिसे सुनकर रोनाल्ड और करीना के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस के हाथों में कैमरा था जिसमें किसी तरह की फुटेज थी। फुटेज देखने के बाद किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दरअसल वो फुटेज रोजी की थी, जिसमें वो उसी बच्चे को खा रही थी जिसकी लाश हाल ही में पुलिस को एक जंगल में मिली थी। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक 3 साल का बच्चा किसी को मारकर उसे खा सके? रोनाल्ड और करीना ये बात जानकर एकदम सन्न रह गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रोजी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, वो तो अभी बच्ची है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अगर सबूतों को देखा जाए तो बात किसी और की तरफ ही इशारा कर रही थी। रोनाल्ड काफी घबरा चुका था। उसे लग रहा था कि उसकी बेटी की मानसिक हालत खराब है, लेकिन पुलिस को अपना काम करना था जिसके लिए उन्हें रोजी चाहिए थी। पूछताछ के बाद ही पुलिस किसी नतीजे पर पहुंच सकती थी, जिसके बाद सभी अंदर की तरफ जाने लगे। लेकिन वहां की हालत देखकर सभी के पर खच्चे उड़ गए। रोनाल्ड ये सब देखकर काफी डर गया। उसकी आंखें अपनी बेटी रोजी को ढूंढ रही थी। लाशों के ऊपर से गुजरते हुए रोनाल्ड आगे बढ़ रहा था। रोजी, महज 3 साल की वो बच्ची अब मर चुकी थी। लेकिन अगर रोजी ही सबको मार रही थी तो उसे किसने मारा? सब कुछ बहुत ही उलझता जा रहा था। तभी रोनाल्ड की नजर रोजी के बगल में पड़ी गुड़िया की तरफ पड़ी, जिसके बगल में खून से बड़े बड़े शब्दों में लिखा था, एल कुकू। एल कुकू का नाम देखकर करीना तड़फड़ा गई, जिसके बाद उसने कहा, हमारा शहर बहुत ही बड़ी मुसीबत में है। एल कुकू कोई इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। अपनी बेटी को खो चुका रोनाल्ड अब सदमे में जा चुका था। करीना की बात सुनकर वो और भी घबराने लगा। वहीं दूसरी तरफ एल कुकू का नाम सुनकर पुलिस वहां से निकल चुकी थी। इस भयंकर नरसंहार की खबर शहर में ना फैले, उसका ख्याल रखते हुए सभी ने बात छुपाने की सोची। रोनाल्ड अभी भी एल कुकू की पहचान से अनजान था, जिस पर करीना ने उसे बताया, एल कुकू की कोई पहचान नहीं है, उसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है। वो अभी भी कोई भी और कुछ भी हो सकती है। वो तुम भी और मैं भी हो सकती हूँ। किसी का भी रूप चुरा कर वो तुमसे अपनी चीजें करवा सकती है। हमारी बेटी रोजी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इतने दिनों से यही मॉन्स्टर उसे चला रहा था। बच्चों का पार्टी में शामिल होना रोजी की डिमांड नहीं बल्कि एल कुकू की डिमांड थी। उसे बच्चों का मांस खाना पसंद है, इसीलिए उसने आज के दिन बच्चों को बुलाया ताकि वो उनका गोश्त खा सके। करीना ये सब बोल ही रही थी कि अचानक घर की लाइटें जलने और बुझने लगी। घर में बस अंधेरा छा गया और अंधेरे के बीच में से रोनाल्ड की चीखती हुई आवाज आई। थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद घर में रोशनी आई। बोला था ना कि वो कोई भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। तुम भी हो सकते हो और मैं भी हो सकती हूँ।
अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।